हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑलरेडी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने यूट्यूब में डाला हुआ है, बट ये जो टॉपिक है दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ डिज़ाइनिंग। किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग हो, चाहे आपके बोन स्ट्रक्चर की हो, चाहे आपके कार्टून एनिमेशन की हो, चाहे आपके घर की हो, सिविल वर्क हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, मैकेनिकल हो, या कोई भी फील्ड हो। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को ये नहीं समझ में नहीं आता है कि आपको ऑटोकैड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिज़ाइनिंग। बट ऑटोकैड भी इम्पॉर्टेंट है और डिज़ाइनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अब जिन लोगों को ऑटोकैड आता है उनको ये लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो ऑलरेडी हमको आता है तो ये सब देखने की क्या ज़रूरत है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी ऑटोकैड आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, जिन लोगों को ऑटोकैड नहीं आता है या जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या जो लोग अभी नया नया पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज़ में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर को समझने के लिए, क्योंकि ऑटोकैड इज़ अ फाउंडेशन सॉफ्टवेयर। और फाउंडेशन अगर ठीक से आएगी नहीं तो आप बाकी सारे सॉफ्टवेयर को पढ़ने में थोड़े से निल हो सकते हैं। और विदाउट ऑटोकैड आप 3D का कोई भी सॉफ्टवेयर चला दो, आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं हो सकते। बिकॉज ऑटो कैड इज़ द ओनली वे आउट कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो, बिकॉज जो भी चीज़ आप 3D में बना रहे हो उसका कहीं ना कहीं जो एक्चुअल वर्क है वो आपको ऑटो कैड में करना पड़ता है। और जो स्टूडेंट्स इनको पढ़ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो लोग अपने सवालों को पूछने में बार बार हेजिटेट करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो मुझसे पढ़ रहे हैं इस बार और इस वक्त, और वो सवाल करते हैं एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी बार वो कर सकते हैं, बट एक हेजिटेशन होती है जो बार बार सवाल नहीं किए जा सकते। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है ताकि उनको बार बार सवाल ना करने पड़े और उनको पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों का ये ऑटोकैड का इंटरफेस है। आप कोई सा भी ऑटोकैड चलाएंगे, मतलब मैं जनरली 2014 से लेकर 21-22 तक के सारे सॉफ्टवेयर चला रही हूँ। थोड़े थोड़े डिफरेंट यूज़र इंटरफेस आप लोगों के हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज ऑटो कैड इट्स ओनली द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड। लेफ्ट हैंड आप अपना कीबोर्ड यूज़ करो, राइट हैंड आप अपना माउस यूज़ करो। कमांड जितनी जल्दी अच्छे से याद हो जाएंगी उतनी जल्दी आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आपको बाकी सारी चीज़ों को करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा ऑटो कैड है 2017 का। आप कोई सा भी ऑटो कैड ले सकते हैं। आप इसको गेट इन टू PC से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री, और जो भी प्रोसेस रहेगा डाउनलोड करने का, डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे इसको तो वो आपको 30 डे का ट्रायल भी देता है, साथ में क्रैक वर्जन भी देता है जो कि आपको क्रैक करना पड़ता है। आफ्टर 30 डेज वो हट जाते हैं। और अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं किसी कॉलेज में या किसी चीज़ में, तो आप ऑटोडेस्क की यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्ट वेबसाइट है वहाँ से जो भी अपडेटेड वर्जन के ऑटोकैड होते हैं या कोई भी ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर होता है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री, और आपको लाइसेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्राॅइंग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। स्टार्ट ड्राॅइंग करने में आपके पास एक यूज़र इंटरफेस खुलता है पूरा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UI बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में UI बोलने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को टेक्निकल वर्ड्स को बात करने में दिक्कत होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी फील्ड में आते हैं तो उस फील्ड के अपने अपने मतलब वर्ड्स होते हैं बात करने के लिए। तो ट्राई करो कि आप उन वर्ड्स को बात करो ताकि आप थोड़े से टेक्निकल और थोड़े से नॉलेज वाले साउंड करो उस चीज़ में। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़, ये जो ऑटो कैड मैं करा रही हूँ ये बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए है। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो जो दिक्कत हो रही है शुरुआत में, जो चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आती है, वो ये है कि जो यूनिट्स होती हैं वो किस तरह काम करती हैं, किस तरीके से ऑटो कैड में वो काम करती हैं, फीट इंचज को कैसे लगाया जाता है, MM की ड्राॅइंग को कैसे बनाया जाता है। बट सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूनिट्स। और ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स हैं वो MM इंचेस और फीट्स में काम करते हैं, कारपेंटर्स ज़्यादातर आपके इंचेस में काम करते हैं। तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके कि कितने फीट में कितने इंचेस हैं, कितने फीट में कितने MMs हैं, कितने इंचेस में कितने MMs हैं। और सिर्फ ऑटोकैड ही नहीं, इन रियल लाइफ में भी साइजेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आपको वो चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी।
तो आज के लिए सबसे पहले जो हम चीज़ करेंगे वो है हमारी यूनिट सेटअप। सबसे पहले आपको कोई भी ड्राइंग बनानी हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यूनिट सेट करनी पड़ती है। तो हम लोग ज़्यादातर जो काम है वो फीट इंचज़ में कर रहे हैं, तो हम लोग इसकी जो यूनिट है उसको हम लोग फीट इंचज़ में कर लेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। इसमें हमारा जो ड्राइंग है हमारी तीन तरीके से होती है। आप कमांड के थ्रू कर सकते हो कीबोर्ड में, आप मेन्यू बार के थ्रू कर सकते हो और आप टूल बार के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और आजकल क्या है कि टूल बार और मेन्यू बार बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, कमांड पे ज़्यादातर लोग ध्यान देते हैं। और कमांड पे ध्यान देंगे तो उससे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपकी स्पीड ऑटोकैड में बहुत अच्छी हो जाती है। जब आपको ये समझ आ जाता है कि बनाना क्या है, तो आपको खुद को पता चलेगा कि हम सिर्फ लाइनें बना रहे हैं, लाइनें और सारा काम हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करके ही इसमें यूज़ करते हैं। और आई एम वेरी फ्रैंक टू यू अबाउट दिस कि आप लोगों को सिर्फ ये बनाने के बताने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पर ये प्लेसमेंट्स हो रही है। बाकी सारी चीज़ें फटाफट काम करने के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है हर चीज़। आपको ब्लॉक्स चाहिए, आपको फर्नीचर ब्लॉक्स चाहिए, आपको किसी भी तरीके की चीज़ चाहिए तो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सबसे पहले यूनिट सेट करने के लिए जो हमारी कमांड होती है वो होती है हमारी UN, एंटर। और एंटर का नाम लेते ही एक चीज़ और आपको रिमाइंड करा दूँ मैं कि हमारे पास कीबोर्ड में तीन एंटर होते हैं ऑटोकैड में। वैसे हमारे पास कीबोर्ड में दो एंटर होते हैं, मगर ऑटोकैड में हमारा जो स्पेस बार है वो एंटर का काम करते हैं। तो आपको जब भी एंटर करना हो तो आप UN करके आप स्पेस बार यूज़ कर लीजिए, एंड ट्रस्ट मी आप सबसे ज़्यादा स्पेस बार ही यूज़ करेंगे वाइल यूजिंग द ऑटोकैड, ठीक है। UN एंटर करके आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। डायलॉग बॉक्स खुलता है तो वो आपसे पूछता है कि आपको कौन सी यूनिट पे काम करना है। सिंपल, तो हमको जो काम करना है वो है हमारा आर्किटेक्चर, बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हम काम कर रहे हैं। जो हमारा प्रिसिशन रहेगा वो रहेगा हमारा 0 फीट 0 इंचेस। बाकी जो नीचे की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कन्वर्जन स्केल पे हैं। कन्वर्जन स्केल अभी मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा है, और जो लोग फर्स्ट टाइम ऑटोकैड को खोल रहे हैं या फर्स्ट टाइम ऑटोकैड में काम करेंगे तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो 0 फीट 0 इंचेस हम लोग अभी रख लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर यूनिट स्केल रहेगा वो हमारा इंच रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फीट और इंचेस में बात करते हैं तो जो छोटी यूनिट होती है वो इंचेस होती है। जैसे ही 12 इंच कंप्लीट होते हैं वो 1 फीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इंचेस को मार्क कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब जब हम लोग यूनिट सेट कर लेते हैं, तो यूनिट जो हम सेट करते हैं वो इसलिए होता है कि हम लोग ड्रॉइंग को कौन सी यूनिट पे बना रहे हैं, ठीक है। लाइक कि हमने ड्रॉइंग को फीट इंचेस में बनाया, और जैसे मैंने एक लाइन बनाई 2 फीट की, ठीक है। तो जब आप इस लाइन को डायमेंशन देखते हैं तो इस लाइन की जो डायमेंशन है वो आपकी 24 आ रही है। तो 2 फीट किया था, एंड बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि मैंने 2 फीट की लाइन डाली थी, 24 लेके क्यों आ रहा है। इसका रीज़न ये होता है, जब आप लोग अपनी यूनिट सेट करते हैं तो यूनिट के साथ साथ आपको आपका डायमेंशन स्टाइल भी सेट करना पड़ता है। डायमेंशन स्टाइल क्या चीज़ होती है? यूनिट वो चीज़ होती है जिससे आप ड्राइंग बनाते हो स्केल पे, और डायमेंशन स्टाइल होती है जिससे आप ड्राइंग का स्केल दिखाते हो, ठीक है। तो उसको जो डायमेंशन स्टाइल है उसका जो हमारा क्या कहते हैं उसको कमांड है, उसको हम लोग डी करेंगे। डेन स्टाइल हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं। एंटर डायमेंशन स्टाइल, जैसे ही आप एंटर करते हो तो डायमेंशन स्टाइल के लिए आप जहाँ से चेक करेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई के अंदर जाके आप प्राइमरी यूनिट्स को सेट करेंगे। प्राइमरी यूनिट्स में सेम चीज़ जो आपने अपने यूनिट सेटअप में करी थी वही चीज़ आपको इसमें करनी पड़ेगी। डायमेंशन स्टाइल आर्किटेक्चर 0 फीट 0 इंचेस, ओके कर दो। और सेट करेंट करना नहीं भूलना इस चीज़ को, सेट करेंट करोगे तभी वो आपका सेट करेंट ले लेगा। और अब जब आप अपना डायमेंशन चेक करते हैं तो डायमेंशन आपका आपको 2 फीट दिखाएगा। सिंपल है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चीज़ को कर रहे हैं तो धीरे धीरे इस चीज़ को करिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, बहुत आराम से आएंगी। और जो लोग डर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि समझ में नहीं आ रहे हैं, मैम जो बोलती हैं देखने में इजी लगता है करने में इजी नहीं, ट्रस्ट मी ऑटोकैड इज़ द ईजिएस्ट सॉफ्टवेयर हमारी लाइन का, सबसे ईजी सॉफ्टवेयर है। बहुत जल्दी कैच हो जाता है, बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा, डोंट वरी। अब सेकेंड कमांड है आपकी, सॉरी थर्ड कमांड है आपकी। फर्स्ट कमांड थी हमारी यूनिट्स, सेकेंड कमांड थी हमारी डायमेंशन स्टाइल, एंड द थर्ड कमांड जो कि बेसिकली बेसिक है हमारा ऑटोकैड का,
वो होती है हमारी लाइन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है लाइन, क्योंकि हमारे जितने भी नक्शे हैं वो सारे लाइन से बन रहे हैं, हमारे खिड़की दरवाजे सारा कुछ लाइन से बन रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन क्या चीज़ होती है। ठीक है, मैं जब ये आपको ऑटो कैड कराऊंगी तो ऑटो कैड कराने में जो चीज़ मैं बताऊंगी, मैं एज अ डिज़ाइनर आपको वो चीज़ें बताऊंगी। तो लाइन क्या चीज़ होती है, बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस पूरा कवर होता है वो लाइन से कवर होता है। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो चीज़ मार्क हो रही है इट्स कॉल्ड लाइन। तो हम क्या करते हैं, जब एल एंटर करते हैं तो नीचे आप देखिए आपका जो कमांड बार है ना, वो कमांड बार आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कमांड बार पढ़ोगे और कमांड बार पढ़ने लगोगे तो आपको सॉफ्टवेयर चलाना और ईजी हो जाएगा आपके। जैसे कमांड बार पर देखते हैं वो आपसे बोल रहा है लाइन स्पेसिफाई योर फर्स्ट पॉइंट, तो आप अपना फर्स्ट पॉइंट दे दो। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद अब वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब है कि आपकी लाइन कितनी लंबी होनी है। ठीक है, तो मैंने कर दिया 5 फीट, 5 फीट। अब एक चीज़ जो कि मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में एंटर के बगल में फीट का साइन होता है, फीट का साइन होता है, उसी पे आपके इंचेस का साइन होता है। तो जो फीट का साइन है वो आपका इंडिविजुअली चलता है, और जो इंचेस का साइन है वो आपका शिफ्ट के साथ काम करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंचेस को लगाने के लिए फीट को दो बार ना दबाएं, ये जनरली बच्चों के साथ हो जाती है चीज़ें। तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपको इंचेस लगाने हैं तो आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे, और जब आपको फीट चाहिए तो आप एंटर के बगल का जो बटन है फीट वाला आप एक बार में उसको क्लिक कर देंगे। 5 फीट करके आप एंटर करोगे, तो जैसे ही आपकी 5 फीट की लाइन जहाँ पर ख़त्म होती है वो वहीं पर ही आपको एक कट दे देता है। ठीक है, ये तो हो गई 5 फीट की स्ट्रेट लाइन। और मैं अभी अगर एक लाइन बनाने लगूँ तो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होगी कि ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों चल रही है। तो थर्ड इज हमारा है ऑर्थो। ऑर्थो आपका यूनिवर्सल स्ट्रेट और एंगुलर चीज़ है, मतलब कि ऑर्थो का मतलब ये है कि जब आप ऑर्थो ऑन करते हैं तो आपकी लाइनें सीधी चलती हैं, चाहे आप कॉपी करो, चाहे मिरर करो, चाहे रोटेट करो, चाहे कुछ भी करो। और अगर आप ऑर्थो को ऑफ कर देते हैं तो आपका सारा कुछ टेढ़ा मेढ़ा चलने लगेगा, जैसे कि ये। जैसे ही मैं ऑर्थो ऑन करती हूँ, जैसे मैं ऑर्थो को ऑन करती हूँ, यहाँ पर आपका ऑर्थो मोड है, ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं तो ऑर्थो मोड को ऑन करते लाइनें आपकी सीधी चलने लगती हैं, और जैसे ही आप ऑर्थो मोड को ऑफ कर देते हैं आपकी लाइनें टेढ़ी चलने लगती हैं। तो ऑर्थो मोड ऑन करना है फॉर योर स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, इस चीज़ का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। और अगर आपका ऐसे ये लाइन बनाने के बाद आपका कमांड ख़त्म ना हो तो आपको एंटर कर देना है, आप कमांड से बाहर निकल जाओगे, दोबारा एंटर करोगे तो आप सेम कमांड पे वापस चले जाओगे। एंटर करने से सेम कमांड पे हम वापस क्यों जाते हैं, जब आप राइट क्लिक करके चेक करते हो तो हमारी जो लास्ट कमांड होती है वो होती है हमारी लाइन की। तो रिपीट लाइन, अगर आप एंटर करते हो तो जो भी लास्ट कमांड होती है वो आपकी रिपीट पे चली जाती है। तो एल एंटर, ऑर्थो मोड ऑन करोगे, ऑर्थो मोड का जो शॉर्टकट है वो आपका है एफ एन एंटर। एफ एन के साथ जो F8 की होती है वो F8, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। जो लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं उन लोगों का स्ट्रेट F8 का बटन्स होते हैं, जिन लोगों के पास लैपटॉप्स हैं वो लोग फंक्शन की के साथ अपना F8 यूज़ कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली आपका F8 ऑर्थो मोड के लिए ऑन हो रहा है तो आप बिना फंक्शन की के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी लाइन्स की कमांड। जिन लोगों को लाइन्स बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखो, स्टार्ट से लेकर सिर्फ लाइन तक मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि ज़्यादा पढ़ने से बहुत ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी ना बने। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप देखिए। इसके आगे का चैप्टर मैं कल आपके लिए अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।